तो पावर आईसी के बगल में जो कॉइल्स लगी होती है, जो बक कन्वर्टर आईसी होता है, जो हमारा मेन पीएम होता है, उसके बगल के कॉइल को किस तरह से चेक किया जाता है? तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करना होता है और आपको जो है कॉइलों के ऊपर रीडिंग चेक करनी होती है। यहाँ पे ग्राउंड है और ये जो है 400 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 400 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 200 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 200 300 के आसपास, यहाँ पे क्या है 350। और ये जो कॉइल है वो यहाँ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे भी 300 समथिंग आ रहा है, और ये लोअर एलडीओ यहाँ पर भी हमें 300। इस तरीके की अगर रीडिंग आपको मिलती है पावर आईसी के बगल में, तो इसका मतलब है कि आपकी आईसी सही है। अगर ये रीडिंग जो है 030 के नीचे आता है, यानी कि 20 या 30 के नीचे आता है, तो उस समय आपका जो है वो लाइन लीकेज होता है और वो प्रॉब्लम आपकी जो है सीपीयू रिवॉल्व करने से सॉल्व होती है। अगर ये फुल शॉर्ट आता है तो पावर आईसी से भी कई सेटों में सही होते हैं या फिर कैपेसिटर शॉर्ट